Hello students, welcome to getlectures.com. I am Puspanjay Kashyap, lecturer of mechanical engineering. Today I am going to solve some numericals on pure axial loading, which we studied in last lecture, in previous lecture. Okay, let's start the numericals on pure axial loading. The first numerical is this. For a bar, as shown in figure, determine maximum tensile load and maximum compressive load acting on the bar. मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस डायग्राम में कुछ चीजें देखते हैं. डायग्राम को कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 4P. दिस लोड इज 4P एक्ट इन दिस डायरेक्शन. दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, this point is D, okay, and this point is E. This is 4P. At point D load kitna hai? This is P load. Balance karte hai. This is 5P and this is 3P and this is P. First of all cheeze dekhte hain hum log ki is question mein आपको निकालना क्या है. सबसे पहले निकालना है कि मैक्सिमम टेंसाइल लोड एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड एक्टिंग ऑन द बार. सबसे पहली बात कि दिस बार इज नॉट अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग. अकॉर्डिंग टू प्योर एक्सियल लोडिंग डेफिनेशन क्या होता है, केवल एक्सट्रीम एंड्स पर लोड लगे हो तो कंप्लीट बार थ्रू आउट द लेंथ क्या होगा, आपका हर एक क्रॉस सेक्शन पर इक्वल लोडिंग है. मतलब कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर द लोड विल कॉन्स्टेंट, बट इन दिस डायग्राम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बार the load will not constant, but a portion of bar AB, BC, CD and DE are under pure axial loading. कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन मेथड का यूज करेंगे. ठीक है, इसमें कुछ चीजें देखेंगे सेक्शन मेथड को कैसे हम यूज करते हैं. तो लिखते हैं सेक्शन मेथड. सेक्शन मेथड के थ्रू हम लोग क्या चीजें देखेंगे कि किस पोर्शन पे, किस इस बार के किस किस पोर्शन पे कितने लोड लग रहे हैं. अगर मैं ए बी की बात करता हूं तो पी डिनोटेड बाय लोड ए बी, दिस इज पी एट ए बी, लोड एट ए बी सेक्शन. ए बी सेक्शन पे अगर हमें लोड चेकआउट करना है तो कैसे करेंगे. ए बी सेक्शन में अगर हम ए बी पोर्शन में अगर एक सेक्शन ले लें, दिस इज सेक्शन एक्स एक्स इन ए बी पार्ट. ए बी पार्ट में हमने एक्स एक्स सेक्शन लिया तो इस सेक्शन के आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड के फोर्सेस को सम अप करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे. अगर राइट साइड के फोर्सेस को सम करते हैं तो भी उतना ही आएगा जितना लेफ्ट साइड के फोर्सेस को करेंगे. तो यहां पर अगर आप देखना चाहें तो डायरेक्ट दिख रहा है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो एक ही लोड लग रहा है एंड द वैल्यू ऑफ दैट लोड इज पी. ओके, तो आप यहां पर पी लिख सकते हैं और दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन. जब आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हो तो टूवर्ड्स लेफ्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, अगर आप राइट हैंड साइड में ऐड करते हो तो टूवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव. तो इसको देखते हैं, ये तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड हो गया. अगर राइट साइड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो क्या होगा, 3p इज पॉजिटिव, 3p, 5p टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, आप राइट साइड में समीशन कर रहे हो तो माइनस 5p. ओके, एंड दिस p इज ऑल्सो माइनस and this p, this load is positive plus 4p and the total value of this load is equal to 4 plus 3 516, this is p. तो आपने देखा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल फोर्सेज आ रहे हैं तो पी ए बी इज इक्वल टू पी. पी बी सी की बात करते हैं, पी बी सी इज इक्वल टू, तो जब बी सी सेक्शन की बात करेंगे तो बी सी सेक्शन में भी एक क्या लेंगे हम, बी सी पार्ट में एक एक्स एक्स सेक्शन ले लिया, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड के फोर्सेस को सम अप करेंगे. तो अगर लेफ्ट साइड के फोर्सेस को सम करते हो तो टुवर्ड्स लेफ्ट इज पॉजिटिव, टेकन इज पॉजिटिव, इट मींस दिस पी इज पॉजिटिव एंड दिस माइनस 3p इज नेगेटिव, 3p इज नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू माइनस 2p और 2p कंप्रेसिव, दिस इज माइनस, इट मींस दिस इज कंप्रेसिव एंड इन दिस ए बी पोर्सन में क्या है, P आपका क्या है, टेंसाइल. ओके, जब बीसी सेक्शन में आप राइट हैंड साइड में भी जा सकते हैं, जब राइट हैंड साइड में सम करेंगे तो टुवर्ड्स राइट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इज टेकन एज नेगेटिव. तो इसको अगर आप सम अप करेंगे तो माइनस 5p, मैं लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर रहा हूं, माइनस 5p माइनस p प्लस 4p, दिस इज इक्वल टू माइनस 2p और 2p
कंप्रेसिव। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में आप करोगे तो इक्वल ही आएगा। ओके, तो दिस इज बाई सेक्शन मेथड। तो बीसी पर निकाल लिया, अब सीडी पर फाइंड आउट करते हैं। यहां पर ए बी सी डी ई सेम डायग्राम, दिस इज 4p, दिस इज पी, दिस इज 5p, दिस इज 3p एंड दिस इज पी। ओके, तो यहां पर देखते हैं पी एट ए बी निकाल लिया था, बी सी निकाल लिया था, पी एट सी डी। सी डी पर जब आप फाइंड आउट करोगे तो सी डी मेंबर में जब आते हैं तो एक क्या हमने ले लिया, दिस इज एक्स एक्स सेक्शन। इस सेक्शन के राइट हैंड साइड में जाएंगे या लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, समीशन इक्वल आएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो तो दिस 5p इज पॉजिटिव 5p, दिस 3p इज नेगेटिव। बिकॉज जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो तो टुवर्ड्स लेफ्ट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स राइट इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, देन प्लस पी इज इक्वल टू टोटल इज 3p, दिस इज टेंसाइल। टेंसाइल अगर आप राइट हैंड साइड में एड ऑन करोगे तो कितना होगा, माइनस पी प्लस 4p इज इक्वल टू 3p टेंसाइल। तो सेक्शन मेथड से आप देख रहे हो कि दोनों साइड में इक्वल आ रहा है, तो देन पी एट डी ई, पी एट डी ई इज इक्वल टू, जब डी ई सेक्शन पे आते हैं तो एक ले लिया एक्स एक्स सेक्शन, तो टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट आपको एड ऑन करना है। तो राइट हैंड साइड में जब आप एड ऑन करोगे तो दिस पी इज पॉजिटिव प्लस 5p इज ऑल्सो माइनस 3p, बिकॉज 3p का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट, और आप लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हो, प्लस पी, दिस इज इक्वल टू पी 2p 7p माइनस 3p 4p। ओके, दिस इज टेंसाइल। अगर आप राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करते हैं तो इसके राइट हैंड साइड में केवल एक ही लगा हुआ है, दिस इज 4p एज टेंसाइल। ओके, तो राइट और लेफ्ट दोनों से आप जब एड ऑन कर रहे हो तो इक्वल आ रहा है। ओके, तो पी ए बी पी बी सी पी सी डी पी डी ई चारों फोर्सेस आपने फाइंड आउट कर लिए। देन आपका क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर द बार एस ओन इन द फिगर डिटरमाइन मैक्सिमम टेंसाइल लोड एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड एक्टिंग ऑन द बार। तो आप क्लियरली क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम टेंसाइल लोड कितना है, अगर आप देखो तो ए बी पर कितना लग रहा था, पी ए बी इज इक्वल टू पी टेंसाइल, समराइज कर रहा हूं, पी बी सी इज इक्वल टू 2p कंप्रेसिव। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस, तो टेंसाइल की वैल्यू तीन, तीन फोर्सेस तीन सेक्शन पर क्या है, फोर्सेस टेंसाइल है, तो इसमें मैक्सिमम कितना है 4p और मैक्सिमम कंप्रेसिव कितना है 2p। तो आप क्लियरली यहां पर कह सकते हैं पी टेंसाइल मैक्सिमम pt मैक्सिमम, मैक्सिमम टेंसाइल लोड इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू पी डी ई। ओके, और पी सी मैक्सिमम मीन्स कंप्रेसिव लोड, मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड इज इक्वल टू पी बी सी इज इक्वल टू 2p। ओके, अब एक चीज इस क्वेश्चन में और देखते हैं कि इसके अगर एक्सियल लोड डायग्राम अगर हमें बनाना हुआ तो किस तरह से हम इसके डायग्राम को बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आते हैं, देखते हैं इसके डायग्राम की बात। ए दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, दिस इज 4p, दिस इज पी, दिस इज 5p, दिस इज 3p एंड दिस इज पी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर मेंबर पर कितने भी लोड लग रहे हैं तो समीशन ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, बिकॉज दिस बार इज अंडर इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आप यहां पर वो भी चेक कर सकते हैं, 4p 3p 7p 5 6 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां पर ALD की बात करते हैं, एक्सियल लोड डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उस डायग्राम को किस तरह से हम बनाएंगे, क्लियरली ध्यान से इस चीज को, जो लोड डायग्राम जो बनते हैं उनको बहुत क्लियरली आपको देखना है। आपने यहां पर लिख देते हैं पी ए बी इज इक्वल टू पी, पी बी सी इज इक्वल टू 2p, दिस इज टेंसाइल, दिस इज कंप्रेसिव, पी सी डी इज इक्वल टू, सी डी पर कितना आया 3p टेंसाइल, 3p टेंसाइल
एंड पी एट डी ई इज इक्वल टू 4p टेंसाइल. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ए एल डी एक्सियल लोड डायग्राम. ओके, एक्सियल लोड डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल ए पर लोड कितना है, पी ए बी, ए इज फ्री एंड, तो ए पर कितना है, पी है. तो आप यहां पर देखो और जितने लोड लग रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे. तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज एक्सियल लोड. ओके, तो पी कहां तक जा रहा है, बी पॉइंट तक. ए बी सेक्शन पे पी लोड लग रहा है, तो दिस इज कॉन्स्टेंट अप टू बी, दिस इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉन्स्टेंट जा रहा है अभी तक. फिर बी पर, बी पे कितना हो जा रहा है, अगर आप बी इज अ पार्ट ऑफ ए बी एंड बी सी बोथ, तो बी पर कितना हो जा रहा है, दिस इज टू पी कंप्रेसिव, टू पी कंप्रेसिव. यहां पर आपने पी देखा, ये भी पी, टू पी कंप्रेसिव जा रहा है, मतलब कि आप अगर डाउनवर्ड जाओगे तो कितना जाओगे, टू पी, दिस इज टू पी कंप्रेसिव. एंड जब सी तक आप जा रहे हो तो सी तक टू पी कंप्रेसिव कॉन्स्टेंट जा रही है, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अप टू पॉइंट सी, सी पॉइंट तक कॉन्स्टेंट गया, देन सी इज अ कॉमन ऑफ बी सी एंड सी डी. तो आप यहां पर देखो, जब वो बी सी का पार्ट था तो उस पर टू पी कंप्रेसिव लग रहा था, जैसे ही वो सी डी का पार्ट हुआ तो उस पर कितना हो गया, थ्री पी टेंसाइल. इट मीन्स अगर आप देखो तो इस पॉइंट पर जितना लोड लगा हुआ है, स्ट्रेट लाइन, सडनली इंक्रीज और डिक्रीज. ओके, सडनली इंक्रीज और डिक्रीज, दिस इज अप टू थ्री पी. ओके, थ्री पी के बाद अगर आप देखो तो डी इज अ कॉमन ऑफ सी डी एंड डी, तो डी पॉइंट तक क्या जा रहा है, अप टू डी पॉइंट, दिस इज थ्री पी इज कॉन्स्टेंट. एक्सक्यूज मी लिटिल बिट स्मॉलर. ओके, दिस इज थ्री पी, दिस इज थ्री पी अप टू डी पॉइंट, दिस इज कॉन्स्टेंट. एंड एट पॉइंट डी, डी इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ सी डी एंड डी, तो डी पर कितना हो रहा है, उसी पॉइंट पर सडनली 4p टेंसाइल हो रहा है. तो 3p तक तो था ही, ये कहां तक चला गया, दिस इज अप टू 4p एंड अप टू डी पॉइंट, ई पॉइंट कॉन्स्टेंट, ई पॉइंट तक 4p जा रहा है, और ई पॉइंट पर कितना लगा है, 4p लोड लगा हुआ है, दिस इज इक्वल टू जीरो. अब यहां पर देखते हैं सबसे बड़ी बात, दिस इज 2p, दिस इज 2p, दिस इज 3p, दिस इज 4p, दिस इज 4p. ओके, अब अगर देखो यहां पर, तो ये जो डायग्राम है ALD जो डायग्राम है आपको क्या शो कर रहा है, दिस पोर्शन इज पॉजिटिव, दिस पोर्शन इज नेगेटिव, दिस पोर्शन इज पॉजिटिव एंड दिस पोर्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज एक्सियल लोड डायग्राम. अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, जो डायग्राम में जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस जो शो कर रही है वो क्या शो कर रही है, सिंपल सी बात है कि उस पॉइंट पर कितना लोड लगा हुआ है और उसका डायरेक्शन क्या है. डायरेक्शन आपने कहां से फाइंड आउट किया, बाय सेक्शन मेथड. सेक्शन मेथड का यूज करके आपने देखा कि वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है. तो अगर आप ए पॉइंट पर देखो तो ए पॉइंट पर पी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू सेक्शन मेथड, ये पॉजिटिव आया और यहां पर पी लोड ही लगा हुआ है, तो दिस इज सडनली इंक्रीज, मतलब कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन अप टू कॉन्स्टेंट. बी पॉइंट पर 3p लोड लग रहा है और वो जो 3p है बी पॉइंट के लिए कैसा है, कंप्रेसिव है. ठीक है, 3p पर अगर हम जाते हैं तो यहां पर टोटल लोड कितना लगा है, एक्सियल लोड की अगर आप वैल्यू देखो तो 3p है, और इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू अगर आप देखो तो इसका वेरिएशन कहां से कहां तक है, प्लस पी से माइनस 2p तक. तो इसका टोटल वेरिएशन कितना हुआ, 3p अप टू C पॉइंट, ये कांस्टेंट क्या, C पॉइंट पर 5p लगा है, तो माइनस 2p से प्लस 3p जा रहा है. दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द लोड व्हिच इज एक्ट एट दैट पॉइंट. ओके, दिस इज 5p एंड देन दिस इज p एंड दिस इज 4p. ओके, दिस इज द ALD, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायग्राम. अब यहां से आप डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टेंसाइल लोड किस सेक्शन पे लग रहा है, तो आप आराम से कह सकते हैं PT मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू डायग्राम, बाय डायग्राम, दिस इज DE सेक्शन. DE सेक्शन पर सबसे ज्यादा टेंसाइल लोड है, तो P एट DE इज इक्वल टू 4P एंड PC मैक्सिमम, द मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड इज इक्वल टू वन सेक्शन, केवल एक ही सेक्शन पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो वही मैक्सिमम होगा, PBC इज इक्वल टू 2P. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इज इट ओके. ओके, नाउ
अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे और एंटर करते हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में एंटर करते हैं, दिस इज द सेकंड टाइप क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन फॉर द बार एज सोन इन द फिगर डिटरमाइन मैक्सिमम टेंसाइल लोड एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड एक्टिंग ऑन द बार। द फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, सेम एज द फर्स्ट वन क्वेश्चन, मैक्सिमम टेंसाइल लोड एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड एक्टिंग ऑन द बार। एंड सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, एक्सियल लोड्स एट ए बी सी एंड डी। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज फिक्स्ड, ओके दिस इज फिक्स्ड। नाउ दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। आप देखते हैं कि यहां पर लोड्स कैसे लगे हुए हैं। अगर आप देखो तो दिस इज थ्री पी, दिस इज टू पी, दिस इज फाइव पी, दिस इज हाउ मच, दिस इज ऑल्सो फाइव पी, ओके। ए बी बी सी सी डी एंड डी ई, दिस ए पॉइंट इज द फिक्स्ड पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट इसमें करना है, हमें सबसे स्टेप फर्स्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि रिएक्शन को फाइंड करते हैं, फाइंड रिएक्शन, फाइंड रिएक्शन। और रिएक्शन जो फाइंड करेंगे उसका विद डायरेक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन को फाइंड करने के लिए दिस बार इज अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टैटिकली इक्विलिब्रियम। तो इक्वेशन ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज व्हाट, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो होता है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहां पर कोई भी रिएक्शन हम लगा रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए, ओके। तो उसे हम निकालने के लिए तरीके क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेट लोड। सबसे पहले हम क्या चीज इसमें फाइंड करेंगे, नेट लोड, नेट लोड, नेट लोड कितना बच रहा है और किस डायरेक्शन में। तो नेट लोड जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो कोई प्रॉपर साइन कन्वेंशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, कोई कन्वेंशनल साइन कन्वेंशन हमें नहीं लेना पड़ता है। इसमें आप किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हो और किसी भी एक डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर कर सकते हो, ओके। तो कभी भी रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, बट जब आप सेक्शन मेथड से एनालाइज करते हो तो वहां पर आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है, ओके। तो नेट लोड हमें जब फाइंड आउट करना है तो हमने क्या ले लिया, टुवर्ड्स राइट को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट। तो टुवर्ड्स राइट जो जो फोर्सेज है उन्हें पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और टुवर्ड्स लेफ्ट को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो नेट लोड में अगर आप देखो तो फर्स्ट 5p इज नेगेटिव, दिस 5p इज पॉजिटिव, दिस 2p इज पॉजिटिव एंड दिस 3p इज नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू माइनस पी। माइनस पी मीन्स वॉट, किस डायरेक्शन में आपका लोड बच रहा है। आपने जिसको पॉजिटिव कंसिडर किया है आपका नेगेटिव बच रहा है, इट मीन्स पी लोड किस डायरेक्शन में बच रही है, इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा बच रही है। तो जिस डायरेक्शन में आपका नेट लोड बचता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप रिएक्शन लगाओगे तभी जाकर के समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो होता है, ओके। जिस डायरेक्शन में आपका नेट लोड बचा उसके अपोजिट, यानी कि सिंपल सी बात है, जब आपको इक्विलिब्रियम करना है, समीशन जीरो करना है, तो जिस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा बच रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप रिएक्शन प्रोवाइड कराओगे तभी जाकर के उसका समीशन जीरो होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं सिंपल, ए पॉइंट पर आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज अपोजिट टू द नेट लोड, दिस इज आर ए एच, दिस इज रिएक्शन एट पॉइंट ए, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज पी, ओके, इज इट ओके, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, रिएक्शन को फाइंड आउट करना होता है। और रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें नेट लोड फाइंड आउट करना होता है, और नेट लोड फाइंड करने के लिए जो डायरेक्शन हम लेते हैं, किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, उसके बाद नेट लोड जिस डायरेक्शन में बसता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज कि वो स्टेटिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, ओके। नाउ अब हमें क्या सॉल्व करना है, मैक्सिमम टेंसाइल लोड एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड एक्टिंग ऑन द बार। तो सबसे पहले ए बी बी सी सी डी और डी ई सेक्शन पर हम लोड फाइंड आउट करेंगे, किस मेथड से, बाय यूजिंग सेक्शन मेथड। तो यहां पर देखते हैं ए पॉइंट पर लोड किधर लगा, दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज फाइव पी, दिस इज बी, दिस इज, दिस पॉइंट इज सी, दिस इज ऑल्सो फाइव पी, दिस पॉइंट इज डी, दिस इज टू पी एंड दिस पॉइंट इज वॉट, दिस इज 3p and this point is E. A B C D
ई। अब यहां पर रिएक्शन, अब हमने हटा दिया, जब रिएक्शन लगा दिया तो फिक्स पॉइंट को हटा देंगे। ओके, तो जब हम पी ए बी, पी ए बी की बात करते हैं, दिस इज इक्वल टू, हमने क्या किया, ए बी से, ए बी में एक एक्स एक्स सेक्शन ले लिया, कोई सा भी सेक्शन, टुवर्ड्स राइट और आइदर राइट और लेफ्ट साइड के फोर्सेस को समीशन करो। तो सिंपल सी बात है, जब जिस साइड के फोर्सेस को समीशन करते हैं, इसका प्रॉपर साइन कन्वेंशन जो हमें फॉलो करना है, अगर राइट हैंड साइड में सम अप कर रहे हैं तो टुवर्ड्स राइट इज, राइट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इज टेकन एज नेगेटिव। अगर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो टुवर्ड्स लेफ्ट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स राइट इज टेकन एज नेगेटिव। तो पी ए बी इज इक्वल टू, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा हूं तो दिस फोर्स इज ओनली वन फोर्स लेफ्ट, इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक फोर्स है वो भी पी, उसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं, दिस इज पी कंप्रेसिव कह सकते हैं सिंपल। और इधर से अगर चेक करते हैं तो इधर से अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो माइनस फाइव पी, दिस इज टुवर्ड्स राइट प्लस फाइव पी प्लस टू पी माइनस थ्री पी इज इक्वल टू, दिस कैंसिल आउट टू माइनस थ्री, दिस इज माइनस पी और पी कंप्रेसिव। ओके, इज इट ओके? देन पी बी सी, पी बी सी इज इक्वल टू, बी सी को कैलकुलेट करने के लिए इस पर भी एक सेक्शन लिया, टुवर्ड्स लेफ्ट और आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, समीशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू इक्वल इज इक्वल। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो दिस फाइव पी इज पॉजिटिव एंड दिस पी इज नेगेटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट इज पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट इज नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू फोर पी टेंसाइल, 4p tensile। And अगर मैं इसके राइट हैंड साइड में जा रहा हूं और दिस इज टेकन इज पॉजिटिव 5p, दिस 2p इज टेकन इज पॉजिटिव 2p एंड दिस 3p इज टेकन इज नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू 4p tensile। ओके, किसी भी साइड से जाओगे तो ये क्या होंगे, इक्वल आएंगे। ओके, देन पी सी डी, सी डी इज इक्वल टू, सी डी सेक्शन की बात करते हैं, इसमें भी एक सेक्शन हमने ले लिया, सीडी में, सीडी पार्ट में एक सेक्शन ले लिया, उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर सम करेंगे फोर्सेस का। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का कर रहा हूं, तो दिस 5p इज नेगेटिव, दिस 5p इज पॉजिटिव, दिस p इज नेगेटिव, दिस कैंसिल दिस कैंसिल, दिस इज इक्वल टू माइनस p और p कंप्रेसिव। ओके, और किससे जा सकते हैं, इसके राइट हैंड साइड पर देखें तो 2p माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस पी और पी कंप्रेसिव, आ गया, इक्वल आ गया। देन पी डी ई की बात करते हैं, डी सेक्शन की बात करते हैं, डी पोर्शन की बात करते हैं, तो इस पर एक एक्स एक्स सेक्शन हमने कंसिडर किया, इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में एक ही फोर्स है माइनस थ्री पी, आप कह सकते हो दिस इज, जब राइट हैंड साइड में जाओगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट इज टेकन इज नेगेटिव, पहले लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज माइनस टू पी माइनस फाइव पी प्लस फाइव पी माइनस पी, ओके दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री पी और थ्री पी कंप्रेसिव। आप अगर राइट हैंड साइड में देखते हो और डायरेक्ट एक ही फोर्स है थ्री पी कंप्रेसिव कह सकते हैं सिंपल। तो ए बी बी सी सी डी एंड डी सेक्शन पर हमने लोड फाइंड आउट कर लिया, ए बी पर पी, बी सी पर फोर पी, सी डी पर पी कंप्रेसिव एंड डी पर 3p कंप्रेसिव। तो आगे देखते हैं, यहां पर पी ए बी, पी बी सी, पी सी डी, पी डी ई, इन फोर्सेस को हमने जो फाइंड आउट किया, दिस इज पी ए बी पर p क्या आया कंप्रेसिव, पी बी सी पर p कितना आया 4p टेंसाइल, 4p टेंसाइल, सी डी सेक्शन पर पी कंप्रेसिव एंड डी सेक्शन पर थ्री पी कंप्रेसिव। तो यहां से आप क्लियरली क्या कह सकते हैं, पीटी मैक्स, पीटी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम टेंसाइल लोड इज पी बी सी, पी बी सी इज इक्वल टू फोर पी एंड पी सी मैक्स कंप्रेसिव मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना है थ्री पी कंप्रेसिव एज पी एट डी ई, डी ई इज इक्वल टू 3p। This is the answer of first part. Second part क्या बोल रहा है? First part हो गया maximum tensile load and maximum compressive load acting on the bar. And the second part is axial load at A, B, C and D. अब देखते हैं simple एक काम और इसमें करते हैं, हम क्या करेंगे यहां पर FBD बनाएंगे। FBD बनाने का तरीका दिखाता हूं,
एबीडी, अगर मैं यहीं पर एबीडी की बात करूं, फ्री बॉडी डायग्राम की, एफ बी डी, यहां पर ज्यादा सिंपल आएगा, दिस इज द सेकेंड मेथड, एबीडी इज सेकेंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। एबीडी बनाने के लिए सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, ए बी सेक्शन, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज बी सी सेक्शन, दिस इज सी डी सेक्शन। एबीडी मेथड इज ऑल्सो अ सिंपलेस्ट मेथड, ओके। इसमें अगर आप एबीडी की बात करते हो, डीई सेक्शन, तो सबसे पहले देखते हैं ए बी, ए बी सेक्शन पर क्या आया था अपना, ठीक है, ए बी सेक्शन पर अगर आप देखो तो ए पॉइंट पर जो लोड लग रहा है, ए पॉइंट पर जो लोड लग रहा है वही बी पर उसको काउंटर बैलेंस करेगा, दिस इज पी, पी लोड, बी पॉइंट पर भी उसने क्या किया, काउंटर बैलेंस किया। अब देखो बी पॉइंट पर टूवर्ड्स लेफ्ट एक फोर्स लग गया, और इसमें टूवर्ड्स लेफ्ट कितने लग रहे हैं, फाइव पी, तो टूवर्ड्स लेफ्ट कितने बचे, फोर पी, फोर पी टूवर्ड्स लेफ्ट बचा, तो इस पॉइंट पर हम क्या लगा सकते हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट 4p। अगर आप इनका समीशन करोगे तो b पॉइंट पर टोटल कितने आ जाएंगे, 5p, जितना क्वेश्चन में गिवन है। तो जब b पर 4p लग रहा है तो c पर भी उसको काउंटर बैलेंस करेगा 4p। अब देखते हैं c पॉइंट पर 4p टुवर्ड्स राइट लग गया, c पॉइंट पर टुवर्ड्स राइट 5p लग रहा है, तो टुवर्ड्स राइट कितना बचा, p फोर्स बचा। तो अगर आप यहां पर आओगे तो टुवर्ड्स राइट दिस इज p, cd में इसको काउंटर बैलेंस किसने किया, इसने किया, दिस इज p। d पॉइंट पर p फोर्स लग गया टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट जब ये फोर्स लगा डी पॉइंट पे, तो लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट पी हमने लगा दिया, और इसमें टुवर्ड्स राइट टू पी था, तो एक को और बैलेंस करने के लिए एक पी और इधर आएगा। आप देखो यहां पर तो टुवर्ड्स राइट दिस इज थ्री पी, अगर आप इसका सम अप करोगे तो थ्री पी माइनस पी टोटल क्या आएगा, टू पी टुवर्ड्स राइट एट पॉइंट डी, एंड यहां पर आप देखो तो दिस इज थ्री पी। आपका एफबीडी में जब आप सॉल्व करते हो तो एंड पॉइंट का लोड मिल जाना चाहिए, जितना क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में 3p गिवन है विद डायरेक्शन, तो यहां पर जब आपने FBD लगाया तो ये मिल गया, जब आपने FBD लगाया तो यहां पर 3p, यहां पर ये पॉइंट मिल गया, और यहां से स्टार्ट किया था आपने एक पॉइंट से, तो सब पर। अब आप देखो तो सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, एक्जियल लोड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, तो ए पर, ए सिंगल पॉइंट है, तो P एट A इज इक्वल टू P, दिस इज कंप्रेसिव, P एट B जो मैक्सिमम होता है, जो मैक्सिमम होता है उसे कंसिडर करते हैं, आइदर कंप्रेसिव और टेंसाइल, जो मैक्सिमम होगा, जो कॉमन पॉइंट्स होती हैं उन पर जो मैक्सिमम लोड होता है उसे सिंगल में कंसिडर करते हैं। तो P भी कितना होगा, P B पर दो लोड लग रहे हैं, P कंप्रेसिव एंड 4P टेंसाइल, तो मैक्सिमम कौन सा है, 4P, तो इसे कंसिडर करेंगे 4P टेंसाइल, ओके। पी एट सी, सी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, पी फोर पी टेंसाइल एंड पी कंप्रेसिव, तो मैक्सिमम इज फोर पी टेंसाइल, फोर पी टेंसाइल। पी एट डी, डी पर मैक्सिमम एक दो लोड लग रहे हैं, एक पी कंप्रेसिव एक थ्री पी कंप्रेसिव, तो मैक्सिमम वन इज थ्री पी, दिस इज कंप्रेसिव। एंड पी एट ई इज इक्वल टू, दिस इज द फ्री एंड, सिंगल है तो थ्री पी कंप्रेसिव। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। जब आपको सिंगल पॉइंट्स पर जब आपको लोड फाइंड आउट करना है तो उसमें से आप क्या देखोगे, कॉमन पॉइंट्स पर जो मैक्सिमम लोड होती है उसे आपको कंसिडर करना होता है, ना कि मिनिमम को, इज इट ओके, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एक्सियल लोड डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। हियर यहां पर कितना लोड लगा था, दिस इज पी, दिस इज 5p, this is 5p, this is 2p and this is 3p. This point is A, this is B point, this is C point, this is D point and this is E point. Now I am going to draw the axial load diagram, axial load diagram, A point, B point, this is C point, this is D point and this is E point. Now I am going to draw the ALD of this diagram. Simple.
आप यहां पर लिख सकते हैं पी ए बी, पी बी सी, पी सी डी, पी डी ई। कितना कितना लग रहा है? पी ए बी पर पी कैसा है? कंप्रेसिव। पी बी सी पर कितना है? 4P टेंसाइल। पी सी डी पर कितना है? पी कंप्रेसिव। एंड पी डी ई पर कितना है? 3P कंप्रेसिव। ओके, तो इसका एएलडी जा रहे हैं बनाने, तो ए पॉइंट पर कितना है? दिस इज पी कंप्रेसिव। अगर आप यहां पर एक चीज और देखो, पी ए इज इक्वल टू पी कंप्रेसिव, और यहां पर ज्यादा सिंपल होगा, पी बी इज इक्वल टू 4P टेंसाइल, पी सी इज इक्वल टू 4P टेंसाइल सेम, पी डी इज इक्वल टू 3P कंप्रेसिव, एंड पी एट ई इज इक्वल टू 3P कंप्रेसिव। ओके, तो ए पॉइंट पर पी कैसा है? कंप्रेसिव है। दिस इज कंप्रेसिव, दिस इज पी। अप टू बी, व्हेन द बी इज अ पार्ट ऑफ ए बी सेक्शन, अप टू बी, बिकॉज एक चीज देखो, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखा? दिस ए बी मेंबर इज अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग, बी सी मेंबर इज अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग, सी डी मेंबर इज अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग, एंड डी मेंबर इज ऑल्सो अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग। नाउ ए पॉइंट पर पी कंप्रेसिव, बी पॉइंट पर कितना जा रहा है? माइनस पी से कितना चेंज हो रहा है? 4P टेंसाइल तक जा रहा है, माइनस पी से 4P टेंसाइल अप टू सी पॉइंट। ठीक है, अप टू सी पॉइंट ये कांस्टेंट जा रहा है। सी पॉइंट पर क्या हो जा रहा है? सी पॉइंट पर अगर आप देखो तो 4P से पी कंप्रेसिव जा रहा है। तो अब फिर से यहां से डायग्राम आपका कहां जाएगा? सडनली सडनली चेंज हो रही है वैल्यू, तो दिस डायग्राम इज मूव दिस। नो सॉरी, ओके, अप टू डी पॉइंट माइनस पी, डी पॉइंट पर कितना हो जा रहा है? माइनस 3P, एंड अप टू ई पॉइंट दिस इज माइनस 3P, एंड देन दिस इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज पी पी 4P, दिस इज ऑल्सो 4P, दिस इज पी, दिस इज पी, दिस इज 3P, एंड दिस इज 3P। ए बी सी डी एंड ई पॉइंट, इज इट क्लियर? दिस डायग्राम इज क्लियर। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखा? प्योर एक्सियल लोडिंग के कंडीशन में डिफरेंट केसेस देखे और उनको एनालाइज किया, किस तरह से क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, अप्रोच किस तरह से क्वेश्चन पे करते हैं। ओके, थैंक्स।